नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर किराए के मकान पे रह रहे हैं तो आप इनकम टैक्स में कैसे उस जो रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80GG में। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हु आर नॉट एलिजिबल वो देख लेते हैं। सबसे पहला है सैलरी, जिनको सैलरी इनकम मिलता है और जिनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब दोस्तों जो लोग को एचआरए मिलता है उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया है जिसमें उनको एग्जेम्पशन मिलता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाया था, उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग सैलरी वाले हैं उनको एचआरए मिल रहा है तो उसका एग्जेम्पशन अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो डबल डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन के में उसका लिंक दिया हुआ है। तो और दूसरे लोग हैं, मान लीजिए कोई सैलरी इनकम है बट उनको एचआरए नहीं मिलता है तो वो 80GG में बेनिफिट ले सकते हैं ये सेक्शन में। ठीक है, जिनको एचआरए मिलता है सिर्फ वही नहीं ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर मान लीजिए जो है जिनका खुद का फ्लैट है, ठीक है, खुद के नाम पे या तो पत्नी या पति के नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे या एचयूएफ के नाम पे, कहाँ पे, जहाँ पे उनका ऑफिस है अगर जब जॉब करते हैं तो, या जहाँ पे उनका बिजनेस है, उस एरिया में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि घर खुद का नहीं होना चाहिए वो एरिया में जहाँ पे ऑफिस है या बिजनेस है, अब ये नहीं बोला हुआ है कि वो रेंट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका खुद का फ्लैट है जहाँ पे आप ऑफिस है आपका या बिजनेस है और वो रेंट पे आपने किराए पे चढ़ाया है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वो भाड़े पे नहीं होना चाहिए या खुद सेल्फ यूज के लिए होना चाहिए, देयर इज नो सच कंडीशन। ठीक है, सिर्फ ये बोला है कि शुड नॉट बी ओन्ड, ठीक है, वो एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ पे उनका ऑफिस या बिजनेस है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन है दोस्तों, मान लीजिए कोई अदर एरिया में फ्लैट है, जैसे मान लीजिए कि ऑफ मुंबई में वो जॉब करते हैं, ठीक है, और उनका फ्लैट कहीं दूर है, 100-150-200 किलोमीटर दूर है, ठीक है, एनी अदर एरिया, ठीक है, बट वो सेल्फ यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, ठीक है, तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा ये सेक्शन का। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के वजह से या बिजनेस के वजह से, ठीक है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा लंबा है कि उनको वो घर, मान लीजिए बहुत दूर घर है, फैमिली वहाँ पे रह रही है, बट उनको नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए डिस्टेंस इतना ज़्यादा लंबा है कि उनको किराए के मकान पे रहना पड़ रहा है जहाँ पे उनका ऑफिस है या बिजनेस है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में उनको ये सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो सिचुएशन नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशन मजबूरी नहीं है, ठीक है, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग हैं, तीन सिचुएशंस हैं जहां पे सेक्शन 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि ये सारे कंडीशन मान लीजिए एलिजिबल है, ठीक है, तो कैसे डिडक्शन क्लेम करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिनका सैलरी इनकम है 3 लाख, बिजनेस इनकम है 2 लाख और अदर सोर्सेस में उनका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम है 5,000। ठीक है, तो टोटल इनकम इनका हो गया 5,05,000। इसे इनकम टैक्स में हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, वो उतना जरूरी नहीं आपको समझना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब सारा इनकम अगर ऐड कर देंगे तो उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये 5,05,000 ग्रॉस टोटल इनकम है। अब इसमें से हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं सेक्शन 80C में, जैसे LIC हो गया, प्रीमियम हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हाँ PPF हो गया, ये सब 80C में आते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने पेमेंट किया है 1 लाख। 80D में दोस्तों मेडिक्लेम आता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो मान लीजिए है 10,000। ठीक है, और 80TTA में जो ये इंटरेस्ट होता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, अप टू 10,000। तो ये 5,000 है, तो 5,000 ये आ गया डिडक्शन में आ जाएगा। अब दोस्तों जो इन्होंने घर का जो रेंट भरा है वो है पर मंथ रेंट है 5,000। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये एलिजिबल हैं, इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनको एचआरए भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इनका जो मजबूरी है इसके लिए ये भाड़े पे रह रहे हैं, इनका कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है, खुद का। तो 80GG कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं, तो वो अभी फिलहाल हमको कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, यही हमको कैलकुलेट करना है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने एचआरए में देखा था कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे भी तीन कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जो भी सबसे कम आएगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है रेंट पेड ओवर एंड अबाउट 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। अब वहां पे था 10% ऑफ सैलरी एचआरए में, उस पर 10% ऑफ सैलरी था, यहाँ पे 10% ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ये जो 5,05,000 है ये, लेस उसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शंस, सारे डिडक्शंस 80GG को छोड़ के, ये वाला 80, ये सारे डिडक्शन जो भी होंगे 80GG को छोड़ के, क्योंकि वो तो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 80GG को छोड़ के बाकी डिडक्शंस जो है 1,10,000 और 5,000, टोटल 1,15,000, इसमें से माइनस कर देंगे अदर डिडक्शंस, तो 5,05,000 में से 1,15,000 डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 3,90,000। ये हो गया हमारा टोटल इनकम 3,90,000, ठीक है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम आया हमारा 3,90,000, ठीक है। तो 3,90,000 का 10% तो आएगा कितना, 39,000 इंटू 10%, ये आंसर आ जाएगा 39,000, ये ऊपर वाले का पार्ट, ठीक है। और रेंट हमने पे किया है 5,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर देंगे तो हो जाएगा साल का 60,000। तो 60,000 माइनस 39,000, तो आंसर आएगा यहाँ पे 21,000, ठीक है। दूसरा लिमिट है 5,000 पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे तो साल का कितना आ गया, 60,000, ठीक है। और तीसरा लिमिट है 25% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम वही वाला जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये 3,90,000, 3,90,000 का 25%, 3,90,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,90,000 इंटू 25%, ये आएगा 97,500, 97,500। अब दोस्तों ये आ गया हमारा लिमिट, ठीक है। अब तीनों में से जो सबसे कम है, अब सबसे कम कौन सा है दोस्तों, 21,000, 60,000, 97,500, तो ये सबसे कम है 21,000, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 21,000 ओनली, ठीक है। तो ये 21,000 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल डिडक्शन इनको मिल जाएगा 1,36,000, और ये माइनस कर देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा इनका टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 5,05,000 माइनस 3,90,000, सॉरी 5,05,000 ये इनका ग्रॉस टोटल इनकम है, माइनस 1,36,000, तो इनका टैक्सेबल इनकम जिसपे इनको टैक्स भरना है वो आ जाएगा 3,69,000, इस पे इनको टैक्स भरना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि क्लाइंट का सवाल होता है कि मैं भाड़ा भर रहा हूँ 5,000, तो पूरा 60,000 मिलना चाहिए, 21,000 क्यों मिलता है। तो इसके लिए मिलता है क्योंकि ये कैलकुलेशन ही ऐसा है कि आपने जो, अगर आपका टोटल इनकम है 10% है, जो ऊपर आपने पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका एक्स्ट्रा जो है 10% के ऊपर जो इन्होंने पे किया वो सिर्फ 21,000 है, और दूसरा लिमिट है 60,000, 5,000 पर मंथ, और तीसरा है 25%, वो 97,500, ये वाला कम आ रहा है, जो सबसे कम आएगा उतना ही अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये होप ये वीडियो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है और क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे बताइए, ठीक है, आपको इसमें क्या और सुधार कर सकता हूँ, तो ताकि आगे मैं उस हिसाब से आपको और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। और दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कॉलिग्स के साथ शेयर कीजिए,
और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप पहले देख सकते हैं। थैंक यू।